करण कुंद्रा को सताई तेजस्वी की चिंता। आखिर क्या है पूरी अपडेट, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, बिग बॉस के घर में तेजस्वी और करण की बॉन्डिंग दिन प्रतिदिन काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। दोनों के बीच प्यार बढ़ता ही जा रहा है। और अब हम आपको बता दें कि लाइव फीड में आधी रात को देखने को मिला कि जब लाइट्स ऑफ हो गई तब ये दोनों जो है आपस में बातचीत करते हुए नजर आए, जहाँ पर तेजस्वी करण से ये कहते हुए दिखाई दी कि यार करण, हम लोग रोज लाइट्स ऑफ होने के बाद बात करते हैं, ये ठीक नहीं है क्योंकि हम देर रात तक जाकर बात करते हैं, इससे हमारी नींद पूरी नहीं होती, हम 4-5 घंटे ही सो पाते हैं। जहां पर तेजस्वी करण से कहती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम दिन में टाइम निकालो और हम इस तरह से एक साथ बैठकर बातचीत करें। यहां पर करण तेजस्वी से कहते हैं, मैं क्या करूं तेजस्वी, मुझे देर रात तक नींद ही नहीं आती। जहां पर तेजस्वी करण से कहती है कि एक काम करती हूं, मैं तुम्हें स्टोरी सुना देती हूं, तब तुम्हें नींद आ जाएगी। तब करण जो है वो कहते हैं कि मैं भी कितना बुद्धू हूँ ना, तुम्हारी तबीयत खराब है और मैं अपनी ही बातों में लगा पड़ा हूँ। जिसके बाद तेजस्वी कहती है कि मैं अगर अपनी बेड पर जाकर बैठूँ तो क्या तुम्हें नींद आ जाएगी। तो करण कहते हैं कि अगर तुम अपनी जगह में बैठी रहोगी जाके तो मैं तुम्हें ही देखता रहूँगा। और उसके बाद फिर जो है तेजस्वी ने करण से बहुत बड़ी बात कह डाली। तेजस्वी ने करण से कह डाली कि करण देख, जो मेरे अच्छे दोस्त होते हैं तो मैं अपने दोस्त के लिए बहुत पॉजिटिव हो जाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे दोस्त जो है वो उससे बात ना करें जिससे मेरी नहीं बनती। और यहाँ पर तेजस्वी का इशारा साफ तौर पर शमिता शेट्टी पर था। हम आपको बता दें कि शो में जिस तरह से करण कुंद्रा शमिता शेट्टी से बात करते हैं, ये बात तेजस्वी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। आप ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि क्या करण तेजस्वी की इस बात को मानेंगे, क्या करण अपने प्यार तेजस्वी के चलते छोड़ देंगे शमिता शेट्टी से बात करना। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।